बात कर लेते जबलपुर की। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली की गुटखा कंपनी को नोटिस। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भेजा है नोटिस। विज्ञापन में तस्वीर का इस्तेमाल करने पर उन्होंने आपत्ति जताई है। निगल नोटिस भेजने के लिए माफी मांगने को भी लिखा गया है। माफी नहीं मांगने पर 100 करोड़ की मानहानि का दावा करेंगे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिल्ली की एक गुटखा कंपनी है जिसको नोटिस भेजा है। और आपको बता दें, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये नोटिस भेजा है। दरअसल एक विज्ञापन में उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद अब उन्होंने कहा है कि वो मानहानि का केस भी करेंगे और माफी मांगे नहीं तो 100 करोड़ की मानहानि का दावा ठोकेंगे। तो बड़ी खबर जबलपुर से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिल्ली की एक गुटखा कंपनी है जिसको पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक नोटिस भेजा है। जबलपुर से बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, विज्ञापन में तस्वीर का इस्तेमाल पर उन्होंने आपत्ति जताई है। लीगल नोटिस भेजकर माफी मांगने के लिए लिखा गया है। यदि माफी नहीं मांगी तो 100 करोड़ की मानहानि का दावा किया है।